बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बायोलॉजिकल मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जर्वेशंस पढ़ी थी बायोलॉजिकल मेथड, और फिर हाइपोथेसिस पढ़ी थी। हमने टू मेन उनकी टाइप्स देखी थी, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। और अब उसके बाद हम उसके नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब जो हमने टू मेथड्स पढ़े थे, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग, हमारी बुक कहती है देयर आर सम अदर मेथड्स। ठीक हो गया, हमारे पास दूसरे मेथड्स भी हैं क्या बनाने के, हाइपोथेसिस बनाने के, टू फॉर्म या टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब हाइपोथेसिस IS के साथ लिखा होगा तो इट्स मीन सिंगुलर, और जब ES के साथ लिखा होगा इट्स मीन प्लूरल। ठीक है, ये बात आपने भूलनी नहीं है। ठीक है, अब क्या कहता है कि हमारे पास क्या एक ही हाइपोथेसिस होती है, हैं बताओ आप, हम एक ऑब्जर्वेशन से एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं या डिफरेंट हाइपोथेसिस बना सकते हैं? डिफरेंट हाइपोथेसिस बना सकते हैं। हाँ जी, हम एक ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट हाइपोथेसिस बना सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक ऑब्जर्वेशन से एक ही हाइपोथेसिस बने। ठीक है, हमारे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है ना, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस बहुत सारी हैं, हाइपोथेसिस बहुत सारी है, तो हो सकता है हम जो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे आगे तीन चार स्टेटमेंट्स निकल आएँ। ठीक है, तो जब तीन चार हाइपोथेसिस हमारे पास आ जाएंगे फिर हम उसे ES के साथ लिखेंगे, प्लूरल हो जाएगा। ठीक हो गया, अब वो कहता है अदर मेथड्स में क्या क्या आ सकते हैं, इंट्यूशन और इमेजिनेशन। ठीक है, ख्याली, इंट्यूशन मतलब तखय्युल। ठीक है, हम ख्याल करते हैं, हमारा ये इमेजिनेशन होती है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट वो क्या कहता है, नेचुरल ब्यूटी एज ए एस्थेटिक प्रेफरेंस। हम जो जो नेचर की जो ब्यूटी है, ठीक है, उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, क्या बनाने में, हाइपोथेसिस बनाने में। फिर थर्ड वो ये कहता है रिलीजन, हमारा जो जो इस्लाम है, जो हमारा मज़हब है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले रोल करता है। ठीक है, रोल प्ले करता है इम्पोर्टेंट किस में, हाइपोथेसिस में। आपने एवोल्यूशन में पढ़ा था डार्विन थ्योरी, आपने एवोल्यूशन में वो उसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी थ्योरी पढ़ी थी, और फिर गैर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, कुछ लोगों ने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की हुई थी, और कुछ लोगों ने जिनका कोई मज़हब नहीं था उस हवाले से बात की हुई थी। तो ये कहता है जब भी हम हाइपोथेसिस बनाएंगे तो मज़हब में हम उसका मज़हब का बहुत बड़ा किरदार होगा। ठीक हो गया, उस हाइपोथेसिस में या फिलोसफिकल आइडियाज़ होंगे। ठीक है, आपने देखा होगा क्लास होती है, क्लास में एक बच्चा जो होता है वो बहुत ही लंबी लंबी बातें कर रहा होता है, तो आप कहते हैं क्या यार लंबी लंबी छोड़ है, वो कह रहा होता है बच्चा कि यार मैं ये ईजाद कर दूंगा, मैं बड़ा होकर वो ईजाद कर दूंगा, फिर आप कहते हैं यार क्या फिलोसफिकल बातें कर रहा है, ये फिलोसफी जानना बंद करो अपनी। तो ये वो फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं। ठीक हो गया, एनालॉगी, होमोलॉगी, एनालॉगी आप आगे जाके पढ़ोगे। वैसे क्या होता है एनालॉगी, स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस को कहते हैं। स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस किसे कहते हैं, मतलब कि कुछ आप कह लो ऑर्गन कह लो जिनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन फंक्शंस डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास, हम तो कहते हैं हमारे पास बर्ड्स के भी विंग्स होते हैं। ठीक है, लेकिन विंग्स और चिकन के भी होते हैं, स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट हो गया। ठीक है, चिकन जो है वो इतना फ्लाई नहीं कर सकती लेकिन बर्ड्स हमारे पास फ्लाई करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस की बेस पे भी हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, या दूसरा बात कर लो कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन विद अदर थिंग्स। ठीक हो गया, फिर हम ये कह लें वर्किंग ऑन वन थिंग, जैसे हमने पढ़ा होगा कि यार साइंटिस्ट तो एक काम कर रहा था, मतलब वर्क वो माइक्रोबायोलॉजी पे कर रहा है लेकिन ज़्यादा उसने क्या कर दिया, एंटीबायोटिक। ठीक हो गया, मतलब वर्किंग ऑन वन थिंग बट डिस्कवरी एक्सीडेंटली समथिंग अदर, मतलब कि एक्सीडेंटली उसने डिस्कवर कुछ और कर दिया, काम वो एक चीज़ पे कर रहा है लेकिन डिस्कवर उसने क्या कर दिया, कुछ और कर दिया। तो ये सारे जो मेथड्स आए किस में फॉल करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक हो गया, अब हाइपोथेसिस के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन। हमने हमारे पास हाइपोथेसिस आई, हमने उसको फॉर्मुलेट किया। ठीक है, फिर फॉर्मुलेशन के बाद क्या आता है, टेस्टिंग। ठीक हो गया, हमने अब उसको टेस्ट भी तो करना ना, कि वो टेस्ट करके ही पता चलेगा कि हमारी हाइपोथेसिस जो है वो ठीक है, ट्रू है या रॉन्ग है। ठीक है, अगर तो रॉन्ग हो गई तो हमारी सारी मेहनत बेकार। इससे पहले हम क्या था हमारे पास, ऑब्जर्वेशन। हम दोबारा किधर चले जाएंगे, ऑब्जर्वेशंस पे चले जाएंगे, मतलब हमें पहले सिरे से मेहनत
करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। लेकिन अगर तो हम हमारी जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो गई, ठीक हो गया, अगर तो ट्रू होगी तो हम उसकी रिगरस टेस्टिंग करेंगे, मतलब बार बार टेस्ट करेंगे, बार बार टेस्ट करेंगे। हो सकता है एक टेस्ट से रिजल्ट सही ना आया हो तो हम दूसरा टेस्ट करें, दूसरे टेस्ट से रिजल्ट सही ना आया तो हम तीसरा टेस्ट करें, और अगर उससे सही आ गया फिर हम चार पांच और टेस्ट करेंगे, मतलब रिगरस टेस्टिंग करेंगे। कब करेंगे? जब हमारी हाइपोथेसिस जो होगी वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अगर तो गलत हो गई तो किस्से ही ख़त्म ना, बात ही ख़त्म, तो हमें दोबारा नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, ये ट्रू की बात है, ठीक हो गया। फिर अगर हमारी ठीक हो गई है, ट्रू हो गई है, फिर क्या जनरेट होगी? थ्योरी, ठीक होगा। थ्योरी किससे आती है? कंटिन्यूस टेस्टिंग से। कंटिन्यूस टेस्टिंग तभी होगी ना जब हमारी हाइपोथेसिस ट्रू होगी, ठीक है। अब ये जो थ्योरी है ये नेशनल लेवल पे होगी, ठीक हो गया। अब इस थ्योरी की भी टाइप्स हैं, हम क्या कहते हैं हमारी जो थ्योरी है वो प्रोडक्टिव होगी या फिर प्रोडक्टिव होगी। प्रोडक्टिव किसे कहते हैं? प्रिडिक्ट करना, हम कहते हैं ना फलां बंदा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है, मालूम करना, पता करना। यहाँ पे क्या होगा? दिस थ्योरी विच हेल्प्स यू इन प्रिडिक्ट योर रिजल्ट्स, वो थ्योरी जो आपकी मदद करेगी आपके रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करने में, उसे प्रिडिक्टिव थ्योरी कहेंगे, ठीक हो गया। और प्रोडक्टिव थ्योरी किससे कहेंगे? कंटिन्यूसली प्रोड्यूस मोर आइडियाज एंड हाइपोथेसिस, वो थ्योरी जो कि कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करेगी मोर हाइपोथेसिस को, ठीक हो गया। मतलब कि हो सकता है कि जब हम थ्योरी हमारे पास आए तो फिर हमारे पास डिफरेंट आइडियाज़ आ जाएंगे ना। अगर हमारी हाइपोथेसिस सख्त सही हो गई है, हम थ्योरी तक पहुंच गए हैं, तो थ्योरी जो प्रोडक्टिव है तो वो जाहिर सी बात है इतने सारे पॉइंट्स जनरेट कर देगी कि इसके करने से इस ये भी हो सकता है, इसके करने से ये भी हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब थ्योरी के बाद हम कहाँ चले जाते हैं? थ्योरी जब हमारी ट्रू हो गई तो हम फिर चैलेंज करते हैं, हम बाहर वाली कम्युनिटी को, बाहर वाले लोगों को चैलेंज करते हैं कि यार ये हमने हमारी ऑब्जर्वेशन थी, ये हमारी हाइपोथेसिस थी, हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, उस पर हमने टेस्टिंग की, फिर रिगरस टेस्टिंग की, तो हमारे तो ये रिजल्ट आए हैं विच आर ट्रू बेस्ड, जो हमारे ट्रू थे, जो हमने ऑब्जर्वेशन में कहा था तो वो सही रिजल्ट आए हैं। अब आप हम आपको चैलेंज करते हैं कि यार हमारी थ्योरी को गलत साबित करो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, हमने वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं करा, लोगों को मसला पड़ा होता है ना यार कि इनकी तो कीड़े निकाले हम इनकी थ्योरीज में से, ठीक है, इनके लॉज में से निकाले, पंगे लें, उनमें अमेंडमेंट करें, चेंजेस करें और अपना नाम दें आगे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन उसको गलत साबित कर दिया लोगों ने, फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आई, फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आई, अभी तक तो लोग सेटिस्फाई हैं, लेकिन जब आगे फ्यूचर में हो सकता है ऐसा भी हो प्रोबेबिलिटी कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से कोई सेटिस्फाई ना हो, वो उसमें चेंजेस करके सिक्स ले आए, सेवन ले आए, ठीक हो गया। फिर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, फिर आगे वो उसको रिजेक्ट हो गया, फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आ गया, मतलब लोगों को चैन नहीं है, वो कहते हैं कि इस जो थ्योरी पेश की गई है हम इसमें अपनी इसमें इंट्रोडक्शन दें, ठीक हो, इंट्रोडक्शन कह रही हूँ, हम उसमें अपना रोल प्ले करें, हमारा नाम आए, ठीक है, उसमें चेंजेस करते रहते हैं चेंजेस कर करके न्यू से न्यू थ्योरीज जनरेट करते हैं, ठीक हो गया। तो वही ये कह रहा है कि थ्योरी फिर आप जब लोग चैलेंज करेंगे, ठीक हो गया, अब लोगों ने किया उसको, ठीक हो गया, उन्होंने देखा कि वाकई यार ये तो रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं, अगर तो वो नहीं हुए, रिजल्ट्स ठीक नहीं आए तो फिर कहानी ख़त्म, फिर दोबारा से आपको ऑब्जर्वेशन में जाना पड़ेगा, ठीक हो गया, वही रिपीट आपको हाइपोथेसिस करनी पड़ेगी, टेस्टिंग रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप लोगों ने जो उसको चैलेंज था वो ठीक हो गए, लोगों के पास भी वही रिजल्ट आए जो आपके पास रिजल्ट आए होते, तो फिर हम इसको क्या कह देंगे? लॉ और प्रिंसिपल, ठीक हो गया। अच्छा, अब लॉ और प्रिंसिपल के बाद भी कोई चीज़ आती है? माइक अनम्यूट करके बताओ मुझे। अच्छा ठीक है, लॉ और प्रिंसिपल के बाद अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं आती, हमारी भी बस हो जाती है, ठीक हो गया। लॉ और प्रिंसिपल के बाद हम इसको कह देते हैं ये यूनिवर्सल फैक्ट है। क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। फिर ये जो लॉ होता है ये इरेफ्यूटेबल थ्योरी है, मतलब जिसे हम इनकार नहीं कर सकते, ठीक हो गया। फिर हमारे पास जो माई बुक है वो कहती है वाई लॉज आर लेस इन बायोलॉजी, हमारे पास बायोलॉजी में इतने लॉज कम क्यों हैं, ठीक हो गया। ड्यू टू एलूसिव नेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बहुत कम्प्लेक्स है, आपने पढ़ा था जब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पढ़े थे तो हमने कहा था कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है स्पेशली जो ह्यूमंस हैं और बहुत कम्प्लेक्स नेचर है उनकी, ठीक है, एलूसिव नेचर है, इसी वजह से बायोलॉजी लॉज बहुत कम है। आपने अभी तक दो ही लॉज पढ़े होंगे, एक मेंडल्स लॉ और एक हार्डी वेनबर्ग लॉ।
मेंडल्स लॉ में आपने क्या पढ़ा था? इनहेरिटेंस, इसके बारे में पढ़ा था। और हार्डी वेनबर्ग में आप पढ़ोगे इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। इसमें आपकी सारी पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सब आ जाएंगे, ठीक हो गया। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर कर दें। सॉरी फॉर दिस, ये पानी गलती से गिर गया था।